हाँ जी सत श्री अकाल जी दोस्तों, आज का स्वागत किया जाता है तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल पंजाबी क्लास स्टडी विच। जिसमें तुहानूं पता है तुहाडियां फाइनल परीक्षावां चल रही हैं क्लास अठवीं दियां पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड दियां। तो लगता है असीं वैरी वैरी इंपोर्टेंट पेपर फुल सॉल्वड सैंपल पेपर गैस पेपर शेयर करते रहने हैं। तो अज इस वीडियो में तुहाडे नाल शेयर करन लगे हैं क्लास अठवीं दे लई गणित यानी कि मैथामैटिक्स का फुल सॉल्वड पेपर। ठीक है स्टूडेंट्स, इस वीडियो में तुहानूं एक वैरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर मिलन जा रहा है। तो वीडियो अंत तक जरूर देखना और इस वीडियो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। जो विद्यार्थी साडे चैनल ते पहली बार आ रहे हैं उन्होंने रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सब तो पहला तुहानू अपने चैनल पर वैरी वेरी इंपोर्टेंट पेपर मिलते रहेंगे और तुहानू होर गैस पेपर भी शेयर करांगे जिम्मे कि तुहाडी डिमांड आऊगी उस तरह आप शांति गैस पेपर शेयर कर देंगे तुहाडे नाल। तो अज्ज इस वीडियो में तुहाडे नाल शेयर करन लगे हैं इंपोर्टेंट पेपर। ठीक है जी, तो वीडियो अंत तक जरूर बने रहना। सब तो पहले दस दी तुहानू ये जो पेपर है क्लास अठवीं का गणित का यह आऊगा तुहानू कुल 80 मार्क्स का पेपर आऊगा। ठीक है, समा दिता जाऊगा तुहानू 3 घंटे का। सब तो पहला आऊगा भाग उड़ा। ठीक है, सब तो पहले आपको स्ट्रक्चर दस दें क्योंकि स्ट्रक्चर भी तुहाडे लिए इंपोर्टेंट है। जेकर तुहानू स्ट्रक्चर पता होगा तो ही तुहाडे लिए फायदा है। ठीक है, जिवें कि भाग उड़ा देता दे रखा है प्रश्न नंबर पहले तो 3 तक होणगे। ठीक है जी, प्रश्न पहले तो 3 तक होणगे, जिवें कि पहले प्रश्न होणगे तुहानू प्रश्न 1 विच 16 प्रश्न होणगे। ठीक है जी, एक जिहदा एक पहला होगा पार्ट। ठीक है जी, पहले पार्ट विच आपणू 16 क्वेश्चन पूछे जाणगे, 16 होणगे जिहड़े 21 नंबर दे होणगे, तां इह तुहाडे 16 मार्क्स दे होगे। यानी कि तुहानू छोटे छोटे बहुविकल्पी प्रश्न होणगे जिन्हां दे विच कि चॉइस हुंदी आ। उस तों बाद आऊगा तुहानू दूजे नंबर पर आने तो 8 प्रश्न पूछे जाएंगे सही या गलत वाले। ठीक है जी, ये आने तो 21 नंबर से ये भी हो गए तो 8। ठीक है जी, तो इस तो बाद है तो जिम्मे कि प्रश्न भतीजे चाहे तो 8 हो जाएंगे, तो खाली थामा वो भी होने 1-1 नंबर दियाँ। ठीक है जी, ये जिम्मे कि 8 जिम्मे कि पहले तो आने 16 तो दूजे आने 8 तो आ भी हो 8। ठीक है जी, ये हो गए तो टोटल नंबर हो गए इसके हो गए 32 नंबर। ठीक है जी, 32 नंबर का 21 नंबर वाले क्वेश्चन के 32 नंबर हो गए तो पास होने योग हो गया। ठीक है जी, वेरी इंपोर्टेंट। तो इस तो बाद जिम्मे कि भाग आड़ा होगा, भाग आड़े में प्रश्न नंबर 4 तो लैके 11 तक 2 अंक वाले होंगे। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न तो लैके 11 तक जिन्हें भी हो गए ये होंगे तो 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन। ठीक है जी, तो इस तो बाद आऊगा तुहानू भाग ईडी 16 तो लैके 12 तो लैके सॉरी 16 तक हो गए। ठीक है जी, 12 तो लैके 16 तक ये होंगे तो 4-4 नंबर वाले प्रश्न, किसी भी 3 प्रश्न के अंदरूनी शॉट होगी। ठीक है जी, 3 क्वेश्चन में आपको और आऊगा और। ठीक है जी, उन्होंने कोई एक करना होगा। तो इस तो बाद भाग सस्सा आ गया, भाग सस्से 17-18 तक। ठीक है जी, यानी कि 2 क्वेश्चन होने तुहानू 2 क्वेश्चन होने जे हो 6-6 नंबर के 12 नंबर के हो गए। ठीक है जी, इन्हों भी तुम्हें दोनों क्वेश्चन में चॉइस आऊगी। ठीक है जी, दोनों में एक करना होगा, एक एक क्वेश्चन दिते जाऊगा, एक एक उन्होंने दो चो एक करना होगा, ये तुम्हें बड़े आने। ठीक है, सब तो पहले भाग उड़े बारे बढ़ देंगे, जिमें कि भाग उड़ा आ गया हेठ दिते प्रश्नों में सही विकल्प उत्तर प्रश्न उत्तर चुनो। ठीक है, एक एक नंबर वाले यही है कि तुम्हें आप करवा देने पशु तो जिमें कि 500 रुपये दसा तो वीडियो अंत तक जरूर बने रहना। चैनल में जेकर हज तक सबसक्राइब नहीं किया सबसक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि चैनल सबसक्राइब करने में तुम्हारी फायदा कोई तुम्हारा कुछ जाना नहीं है, ना ही तुम्हारा कुछ जाता है, तो इस सबसक्राइब करने ही फायदा है, क्योंकि जो भी आप वीडियो पाइए तुम्हारे तक वो वीडियो पहुँच सके। तो सब तो पहले दस दिए कि विद्यार्थी करते होंगे ने कमेंट की रियल पेपर है या फेक आ। सब तो पहले दस दिए कोई रियल पेपर नहीं होंगे, कोई फेक पेपर नहीं होंगे, सारे जिन्हें भी आप पेपर पाने इंपोर्टेंट पेपर होंगे ने। जिमें कि अज्ज पेपर होया तो जो कि कंप्यूटर का कंप्यूटर पेपर में भी थोड़े कई प्रश्न है जे आप कल पाई सी वीडियो उस आए नेंगे, तो वैरी वेरी इंपोर्टेंट आप पेपर पाते रहने हैं। तो इस वीडियो में भी तुम्हें आ सकते हैं पेपर आने की उम्मीद आ। ठीक है, तो वीडियो अंत तक जरूर बने, 10-20 मिनट आपके पेपर पेपर के लिए कडो इस वीडियो लिए, क्योंकि तुम्हारे लिए इंपोर्टेंट होने वाली है। इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट आप क्वेश्चन कराने इस वीडियो में हेठ लिखा विचों कि परमेय संख्या 0 और 0 के विचकार है। ठीक है जी, परमेय संख्या दसनी है बिना 0 तो जो 0 के विचकार है कि इसका तुमने दसना है आंसर। तो आप एक बार तुम्हें आंसर भी दस देना इसका कि आंसर आ, इसका वो इसका नोट कर लो, तो पहली ऑप्शन यानी कि 7/4। ठीक है, यानी कि 7/4 इसकी पहली ऑप्शन टिक कर लो, 7/4। इस तो बाद दूजा क्वेश्चन आ गया -2/5। ठीक है जी, -2/5 का गुणांतर उल्ट है, गुणांतर उल्ट करना गा उल्ट जी, जिमें कि 5 उत्ते आ जूगा। ठीक है जी, जो ये 5 उत्ते जाऊगा उल्ट करना, तो 5 उत्ते जाऊगा 2 नीचे आ जाऊ, जिहड़ा माइनस का होंगे या प्लस का साइन है उत्थे रह जाना होंगे, तो उरे जाऊगा माइनस, तो -5/2। ठीक है जी, -5/2 आ गया अपना दूजी ऑप्शन, यानी कि दूजी ऑप्शन टिक कर लो। ठीक है जी, इस तो बाद आप बढ़ देंगे तीजे वाल, संख्या 9 नूं एम विच घटाउण दे ते की प्राप्त होंदा है, एम विच घटाउण ते की प्राप्त होंदा है, जो आप 9 नूं एम विचों घटाउणे आ तां आपां नूं की प्राप्त होंदा। तीजे दा उह तुहाडा यानी कि इस दा होगा पहला, यानी कि
नौ प्लस एम, ठीक है जी। एक बार नोट कर लेना गा, ठीक है जी। एक बार तुमने अपनी बुक में भी देख लेना गा इसका पहला या दूजा आ सकता, ठीक है जी। एक बार तुम देख लेना गा तो एक बार देख लेना। इस तो बाद आएगा तुहाडा चौथा, चौथे का जिम्मे कि चौथा गा, चौथे का वो तुहाडा पहला ऑप्शन, ठीक है जी। पहला ऑप्शन चेक कर लिया, आप जल्दी जल्दी करवा देने क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी बन जाती है। तो इस तो बाद आएगा तुहाडा पंजवां, तीन डिग्री का मुल की होगा, जी तीन डिग्री बनाई हुई होगी, तीन डिग्री का अपना मुल दसना मैंने कि होगा। पंजवें का होगा तुहाडा, पंजवें का हैगा तुहाडा तीजा, ठीक है जी। पंजवें का होगा तुहाडा तीजा जाने की एक, ठीक है, एक मुल होगा। इस तो बाद आएगा तुहाडा छेवां, एक्स का मुल की होगा, जिस लई व्यंजन थ्री एक्स माइनस फोर टू एक्स प्लस एक बराबर हो जाते हैं। इसका तुहाडा जाने की छेवां क्वेश्चन है तुहाडा, छेवें का होगा तुहाडा इसका टिक कर लो तुसीं तीजा, ठीक है जी। छेवें का तुहाडा तीजा क्वेश्चन, तीजा छेवें का तीजा। एक बार इन्हें देख लियो भी ना, इस विच थोड़ी जी वो मिसअंडरस्टैंडिंग है, ठीक है जी। एक बार तुसीं इसका आंसर देख लेना, तीजा या तुहाडा पहला हो सकता, एक बार तुसीं देख लेना, ठीक है जी। एक बार तुहानू आपां कैलकुलेट अगली वीडियो में करके दस देंगे भी ना सही है या गलत है। एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर चैक कर लेना कि यह सही है या गलत है, आपां कमेंट बॉक्स में पा देंगे भी ना यह आंसर तुहाडा सही है या गलत है। इस तो बाद नैक्सट आ गया सातवां, संख्या 225 का वर्णमुल की होगा। 225 का दसो, जिमें कि आप 15 मल्टीप्लाई करवेंगे भी ना कि आता गा, 22 मल्टीप्लाई करके कि 225 आता गा, 25 करके कि 225 आता गा, और 12 मल्टीप्लाई करके कि 225 आता गा। ये तुमने कैलकुलेट करो पहला, फिर नीचे कमेंट बॉक्स में दसो। एक बार आप सातवें का आंसर दस देना, इसका होगा तो 15 मल्टीप्लाई करा 15 तो 225 बन रहा है, ठीक है जी। 15 मल्टीप्लाई करके 225 आंसर आ रहा, ठीक है जी। इस तो बाद आएगा अठवां, अठवां की है हेठ लिखा बच्चों किस स्थिति लाभ होगा, किस स्थिति में लाभ होगा। तुमने देखना गा पढ़ के लाभ तुम दस देने किस स्थिति में होगा, जिमें कि जदों खरीद मुल वेच मुल तो वध हो, ठीक है जी। जिमें कि दूजा दे रखा इन्होंने जदों खरीद मुल अते वेच मुल समान होन, इन्हें दस अपने की लाभ होगा, मुल तो वध हो जदों बेच मुल खरीद मुल तो वध हो, कोई नहीं, ठीक है जी। इस दो तुहाडा अठवें का टिक कर लो, जाने कि इसका होगा तुहाडा अठवें का, हाँ जी तीजा, तीजा होगा अठवें का तीजा होगा तुहाडा ये, ठीक है जी। यानी कि इस विच तुहानू फायदा हो रहा है। तो इस तो बाद आएगा तुहाडा नैक्सट क्वेश्चन है नौवां, संख्या 243 दे घन का इकाई अंक की होगा। घन का इकाई अंक दसना भी ना की होगा 243 का, ये तुहाडा नौवां है, नौवें का वो तुहाडा तीजा यानी कि सत्त, ठीक है जी। सत्त होगा इसका, सत्त का, ठीक है जी। इस तो बाद अगर दसवां दिता गया सूत्र पूरा करो, ए एक्स ए माइनस बी, इस तो बाद ब्रैकेट दिता हुआ इन्होंने, फिर आह वैल्यू दी गई है, इस तरह आप कैलकुलेट करके लिखना गा। दसवें का टिक कर लो तुम, दसवें का कर लो तुम टिक दूजा ए प्लस बी, ठीक है जी। ए प्लस बी आऊगा क्योंकि ए माइनस बी और मल्टीप्लाई ए प्लस बी जोड़े होंगे ने गे, इन्हें ए स्केयर हो जाती है क्योंकि ए उरे पाया ए उरे पाया तो ए की स्केयर होगी, तो माइनस जोड़ा होंगे गा 44 लगे रहो तो बी हो गया जोड़ा आह, तो बी इधर हो गया इधरली साइड हो गया बी, तो इसका होगा थोड़ा बी स्केयर, तो यह आह बन गई ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो जी होगी थोड़ी आह अगे बन जाएगा कैलकुलेट, ठीक है जी। तो इसका हो गया ए प्लस बी क्योंकि आप ए प्लस बी लाया सीगा करके अगला बन रहा है। इस तो बाद आएगा थोड़ा ग्यारहवां, एक घनाव के किन्ने किनारे होंगे, घनाव हों जो घनाव तुम पता होगा बिना कि होंगे उसके अपने किनारे दसने ने किन्ने होंगे ने, उसके होंगे ने किनारे 12, ठीक है। घनाव के 12 किनारे होंगे ने कि 11वें का टिक कर तुम चौथा, यानी कि इस तो बाद आएगा थोड़ा 12वां हेठ लिखे बच्चों के 3xy का समान पद है, कि 3xy का समान पद है, समान दसना मैंने समान, यानी कि सेम बराबर है। 12वें का वो तुहाडा यानी कि इसका भी है 400xy, ठीक है जी। इसका है 400xy आंसर टिक कर लो चौथा, ठीक है जी। इस तो बाद आएगा थोड़ा नैक्सट क्वेश्चन नाल दे नाल देखी जाओ, सी स्टूडेंट्स वीडियो में स्किप भी जमा भी ना करो क्योंकि तुहाडे लिए इंपोर्टेंट पेपर होने वाला है। इस तो बाद तुहाडा है 13वां, 2y ਅਤੇ 2xy ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣਾਂਤਰ ਗੁਣਖੰਡ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਂਝਾ ਗੁਣਖੰਡ ਦੱਸਣਾ ਗਾ 2y ਅਤੇ 2xy ਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 13ਵੇਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੂਜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ 2y, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ 2y ਕਰ ਲਓ ਟਿੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਕਸਟ 14ਵਾਂ, ਵੇਲਣ ਦਾ ਆਇਤਨ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਕਰਨ ਦਾ ਸੂਤਰ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੇਲਣ ਹੁੰਦਾ ਉਸਦਾ ਆਪਣੇ ਆਇਤਨ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਗਾ, ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੀਜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਟਿੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੀਜਾ आ गया पाई आर दी स्केयर एच, ठीक है जी। इस तो बाद आएगा थोड़ा लास्ट सैकेंड, जे ए बी सी पूर्ण संख्या हैं तो 111 ए प्लस बी प्लस सी हमेशा कि संख्या बन सकती है, कि संख्या बन सकती है। इसका तुहाडा यानी कि पहला यानी कि 37 बन सकती है। इस तो बाद आएगा थोड़ा नैक्सट आ गया थोड़ा लास्ट है बहु विकल्पी ऑपरेशन, किसी भी पांच भुज के अंदरूनी कोणां का जोड़फल कितना होता है। अंदरूनी जोड़फल दसना बिना अंगलों का कितना जोड़फल होता गा। इसका तुहाडा यानी कि दूजा यानी कि
540, ठीक है जी 540 इसका नोट कर लो आंसर। इस तो बाद जिम्मे कि आप 16 करवा देते हैं, 16 नंबर तो पक्के हो गए, ठीक है जी। तो 16 नंबर ए नहीं है मैंने पेपर भी यही आने, पर इन की कोई उम्मीद नहीं है कि नहीं आने, तो तैयारी दे लीजिए इन्होंने तो पता लग जाए इस तरह पेपर आएगा, ठीक है जी। वेरी वेरी इंपोर्टेंट पेपर आ जिम्मे कि पहला गा आयतन के विकर्ण बराबर होंगे, जो आयतन होंगे विकर्ण बराबर होंगे। हाँ जी ये बिल्कुल सही है, जाने कि इसका सही तो टिक कर लो तुमने पेपर में सही लिख के आना गा, ठीक है जी। इस तरह सही लिख के आना गा, ठीक है जी। सही गलत लिख के आना, कोई इस ना टिक नहीं लाना, पर मैं तुम्हें टिक ला के दस रहा है इस तरह इसका सही होगा। दूजा होगा बिंदु एल माइनस 9.0 वाई माइनस तुरे ते स्थित है, इसका होगा तो दूजे का एक बार तो जल्दी जल्दी करवा दें, दूजे का होगा तो गलत। इस तो बाद है तीजा 1 2 3 4 5 6 संख्या 9 का एक गुणज है, इसका है तीजे का यह हैगा जाने कि गलत, जाने कि गलत कर लो। इस तो बाद है चौथा हैगा तो किसी गोल नक्शा पाई चार्ट जाने कि पाई चार्ट होंगे कुल केंद्रीय कोण 360 होंगे है, इसका थोड़ा जाने कि कुल होंगे। हाँ जी इसका होगा थोड़ा सही। तो इस बाद है 2 - 3 डिग्री का मुल माइनस 6 है, इसका वजह कैलकुलेट करा, ठीक है जी। इसका होगा थोड़ा ये क्वेश्चन हैगा थोड़ा पांचवा, हाँ जी पांचवा थोड़ा क्वेश्चन हैगा ये हैगा थोड़ा गलत, जाने कि गलत हैगा। तो इस तो बाद हैगा थोड़ा एक वेलन जिसकी ऊंचाई और अर्ध व्यास एक रकम है और कुल सतह का खेत्रफल 4π² है, इसका थोड़ा अनैक्शन होगा जाने कि सही, ठीक है। इसका सही नोट कर लो, ठीक है जी। इस तो बाद आप बढ़ देंगे अगले वाल, अगला की है थोड़ा जिम्मे कि पति है अगले तो एक बार आप आंसर ही दस देने क्योंकि इसका हैगा थोड़ा सही, ठीक है जी। इस तो बाद नैक्सट हैगा जाने कि अठवां, जेकर किसी वर्ग की एक पूजा फसा है तो इस वर्ग की रचना की जा सकती है, तो इसका हैगा सही जाने कि सही। हाँ जी स्टूडेंट्स ये तो आप सही गलत करवा देते हैं कि 8 पहला तो करवाए ने अपना 16 भूविकल्पिक एक हो गए थोड़े पूरे 24, ठीक है जाने कि 24 तो नंबर का पेपर करवा दिता, ठीक है जी। वेरी वेरी इंपोर्टेंट सी, तो खाली थावं भरो, खाली थावं करवा रहे हैं इस तरह तो सारे पेपर करवावे। खाली थावं जिम्मे कि है दिता ग्राफ समय और तापमान डैश है, समय और तापमान डैश है, इसका हैगा थोड़ा आंसर इन्हें दसना तुमने एक, इसका हैगा थोड़ा संभव, जाने कि पहली ऑप्शन टिक कर लो पहली संभव हैगा, ठीक है जी। इस बाद दूजा हैगा एक संख्या जिसका इकाई अंक 5 हो, हमेशा संख्या डैश का एक गुंज होंगी है, इसका हैगा थोड़ा ये होंगी हैगी अपनी 5, ठीक है जी 5 हो जाती होंगी हैगी, ठीक है जी 5 इसका आंसर आ। इस तो बाद हैगा थोड़ा नैक्सट क्वेश्चन तीजा, वर्ग का हरेक कोण डैश है, वर्ग का वर्ग होंगे जो उसका हरेक कोण होंगे अपना 90 डिग्री का, ठीक है जी 90 डिग्री का इसका टिक कर लो। इस तो बाद आप बढ़ देंगे नैक्सट वाले जिम्मे कि आपको दिता गया है यह संख्या दी गई है कि इन्होंने दिते हुए दिते गए पाई चार्ट विच एक स्कूल के लड़के और लड़कियों की गिनती दर्शाई गई है। हाँ जी जिम्मे कि लड़के तो लड़कियों की गिनती दर्शाई गई है इन्होंने जिम्मे कि पाई चार्ट विच। इस तो बाद दसाया गया कि जेकर इस स्कूल के कुल विद्यार्थियों की गिनती 400 हो लड़कियों की गिनती डैश हो गैस है, इन्होंने परसेंटेज दी गई है कि 270 से 190 इन्हों की कैलकुलेट करके तो दस दिए कैलकुलेटर करके आऊगा इसका, हाँ जी 100 आजगा, ठीक है जी 100 गिनती आजगी, ठीक है जी। इन्होंने कैलकुलेट करके तुम देख लेना क्योंकि यह वेरी सिंपल हैगा, इन्होंने सारा दे रखा है बिना 400 गिनती हैगी कुल विद्यार्थियों की, तो लड़कियों की गिनती कढ़नी हैगी, लड़कियों की गिनती इस देख के ग्राफ के परसेंटेज में देख के तुहाड़ी निकलूगी। इस तो बाद थोड़ा पांचवा, एक आई ताकत बख्शे की लंबाई और चौड़ाई क्रमबावर 5A और 6A इकाई है, तो इस बख्शे का खेत्रफल डैक्स वर्ग इकाया है, ठीक है इकाइयां है, इसका हैगा थोड़ा जाने कि 3A² ठीक है यानी कि पहला 30A² हैगा। इस तो बाद हैगा थोड़ा नैक्सट हैगा 4 मजदूर एक दीवार 10 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है जी 4 मजदूर ने गे जिहड़े कि 10 दिनों में एक दीवार चिणते ने गे, ठीक है जी 10 दिनों में, तो जिहड़े एक इस दीवार 5 दिन में पूरा करने लिए किन्ने मजदूर होर मजदूरों की लोड़ है। जेकर आप 5 मजदूर ला दिए, ठीक है जी, जेकर अपने 5 दिनों में अपने काम पूरा करना गा तो आपको किन्ने मजदूर चाहिए ने, ये तुहानूं वेरी वेरी क्लीयर कट पता लग जूगा। तुहाडा इसका हैगा आंसर इसका नोट कर लो 4, ठीक है जी 4 की जरूरत है, ठीक है जी। तो इस तो बाद है तो नैक्सट ये तुम्हें पता ही होगा कि जिन्होंने जिन्होंने पता सके नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दस देना इसका आंसर। इस तो बाद है नैक्सट है जिम्मे कि एक ट्रक 25 मिनट 14 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जेकर गति इको जी रही है तो यह 50 मिनटा डैश दूरी तय करेगा, यह तुमने नोट देखना गा भी ना जेकर 50 मिनटा कि दूरी करेगा, जो 25 से 14 कर रहा है तो 50 से तुम्हें पता लग गया होगा भी ना कि होगा, जाने कि इसका होगा आंसर, इसका आंसर आऊगा थोड़ा
हाँ जी इसका तुम देख लेना आंसर इसका भी क्लीयर नहीं है बट तुम देख लेना इसका लग रहा है 28 लग रहा है क्योंकि 28 आऊगा इसका 28 आंसर टिक कर लो ठीक है जी 28 किलोमीटर कटूगा तो इस तुम नैक्सट है क्वेश्चन लगा कि लास्ट थोड़ा 8 रुपए 50 पैसे का अनुमात रूप डैस है अनुमात रूप दसना गा 8/50 का जब कैलकुलेट करा इसका थोड़ा आंसर बनूगा तो इसका आंसर बनूगा थोड़ा 16:1 ठीक है जी तो ये थोड़े ना अपना शेयर किए ने गे जाने कि बहुवैकल्पिक प्रश्न करवाए थे तो 16 तो बाद 8 ट्रू फॉल्स करवाए ने जाने की सही गलत इस तो बाद हूँ करवाइया ने अपने जाने की खाली थावं करवाइया ने ठीक है जी ये हो गए थोड़े जाने की 32 नंबर हो गए पक्के पूरे तो जेडे बाकी क्वेश्चन है 80 मार्क्स का पेपर आ ठीक है जी कुल 80 मार्क्स का पेपर है ठीक है जी तो जिन्हें भी नीचे क्वेश्चन आ रहे हैं भाग आड़ा आ गया ठीक है जी भाग आड़े के ईडी के तो इस तो बाद जिमें कि आ दिते हुए सस्ते जो दो प्रश्न आने तो यह जो प्रश्न आप अगली वीडियो में क्लीयर कर देवे क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी बन चली हैगी तो लंबी बन का मतलब यह है कि तुम ने वीडियो अंत तक नहीं देखना मैंने पता सी तो इस वीडियो में आप सहूलत के लिए जोड़ा सिर्फ अपने इस जो छोटे क्वेश्चन शेयर किए हैं तो नैक्सट वीडियो में तुम्हें मिलेगा इस पेपर के जोड़े बाकी क्वेश्चन रह गए तो गैस पेपर भी शेयर करा शांति गैस पेपर वगैरह और होर गैस पेपर वगैरह सारे गैस पेपर तो आप अगली वीडियो में शेयर कर देवे चैनल में कर लो सबसक्राइब जे अगले गैस पेपर ने आप किसी वेल भी अपने चैनल पर पा सकते हैं इस वीडियो का जोड़ा नैक्सट पार्ट वो भी आप किसी वेल भी पा सकते हैं जेकर इस पेपर का नैक्सट पार्ट चाहिए जिन्हें वे क्वेश्चन है भाग आड़ा ईडी सस्सा ठीक है जी और तो नीचे कमेंट बॉक्स में पिन किया गया लिंक उस वीडियो का और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दिता गया उत्थे जाकर तुम अपनी वीडियो देख सकते हो गैस पेपर लिए चैनल में कर लो सबसक्राइब इस पेपर का PDF जिन्हें विद्यार्थियों को चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दस देना मेरा PDF भेज दो असं जल्दी जल्दी उन्होंने PDF भेज देवे और टैली ग्रुप में जरूर ज्वाइन कर लेना टैली ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिता गया उत्थे अपने टैली ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि टैली ग्रुप से हरेक नोटिफिकेशन मिलती रहेगी पेपर की PDF मिलती रहेंगी ठीक है स्टूडेंट्स तो चैनल कर लो सब्सक्राइब वीडियो कर दो शेयर तो आओ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद।